वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो सेलफोन से रिलेटेड है और सेलफोन्स कैसे काम करते हैं, और इसके बारे में बहुत इजी वे में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो फॉर मोस्ट ऑफ अस मोबाइल फोन इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ, बट आई एम श्योर योर क्यूरियस माइंड्स हैव ऑलवेज बीन स्ट्रक बाय सच क्वेश्चंस एज हाउ दिस मोबाइल फोन मेक्स अ कॉल। तो जब आप फोन पे बात करते हो तो ये फोन माइक्रोफोन जो होता है वो आपकी वॉइस को पिक करता है, और उसके बाद ये माइक्रोफोन टर्न योर वॉइस इनटू ए डिजिटल सिग्नल विद द हेल्प ऑफ मेम्स सेंसर। और ये डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो उसके आपकी जो वॉइस होती है वो होती है जीरो और वंस की फॉर्म में। तो उसके आपके फोन में जो एंटीना होता है वो एंटीना आपकी जो वॉइस होती है जीरो और वंस में उनको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हिसाब से। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं जीरो और वन की फॉर्म में, और बोल सकते हो आप में ओके। सो ये ट्रांसमिट होती हैं, आप देख सकते हो जब ये ट्रांसमिट होने के टाइम पे आती हैं कैच करता है और ये वंस और जीरोस की फॉर्म में होता है, ऐसे अप और लो फ्रीक्वेंसी, लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी। सो जब आप कभी भी अपने फोन से कॉल करते हो अपने फ्रेंड्स को या किसी को आप कॉल करना चाहते हो, जब आप एस्टेब्लिश कॉल करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल होती हैं दूसरे पर्सन के पास में। बट हाउएवर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इनकैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप किसी दूर पे बात करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी बैरियर बन जाती हैं। अगर सामने बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग में क्रॉस नहीं होगा, या अगर आपके कुछ भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है तो उससे वो वेव्स क्रॉस नहीं होती हैं, एंड मे बी ड्यू टू एनवायरनमेंट फैक्टर। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो अर्थ की कर्व स्ट्रक्चर की वजह से दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं हो सकती हैं। टू ओवरकम दीज इश्यूज सेल टॉवर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया को पूरा का पूरा जो है हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड किया जाता है, और ईच सेल जो होता है उसमें एक टॉवर होता है और एक फ्रिक्वेंसी स्लॉट डिफाइन किया जाता है। सो जनरली दीज सेल टॉवर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स, और मोर स्पेसिफिकली दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को जमीन और समुद्र के थ्रू ही पास किया जाता है, तभी आप एक घंटे से दूसरी घंटे में बात कर सकते हो। तो जब आप फोन करते हो आपके फोन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर होने के बाद पास वाले सेल टॉवर के पास जाती हैं, और सेल टॉवर के पास होने के बाद ये कन्वर्ट होती हैं हाई फ्रिक्वेंसी लाइट पल्सेस में। वो ट्रैवल होते होते वायर्ड मीडियम के थ्रू एक ट्रांसरिसीवर बॉक्स में आती हैं, जो ट्रांसफर होने के बाद डेस्टिनेशन टावर में जाती हैं, जहाँ पे आपको कॉल करना था उसके पास वाले टावर पे जाती हैं, आपके फ्रेंड के टावर पे जाती हैं। और वो फ्रेंड के टावर के पास जाने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं सेम रिवर्स प्रोसेस। तो आपके जो फ्रेंड का फोन है वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ता है और इनको वॉइस सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। सो इट्स ट्रू दैट मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो इंटायरली वायरलेस नहीं होता, वायर्ड मीडियम भी यूज करते हैं। दिस इज हाउ मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क्स। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।